हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आज हमको पता लग रहा है हमारे टॉपिक में दो टर्म्स हैं, तो फटाफट पहले उन दो टर्म्स का मीनिंग जान लेते हैं, तब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पहला वर्ड है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? अब वो डिफाइन कर रहा है फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट इज अ नेचुरल, ये एक नेचुरल चीज़ है, ये एक नेचर का पार्ट है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। नेचुरल सेल्फ सस्टेनिंग, ये अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है एज एन, इसको आउटसाइड असिस्टेंस नहीं चाहिए, आउटसाइड हेल्प नहीं चाहिए, ये खुद सर्वाइव कर सकता है। बायोटिक कम्युनिटी, एज वी नो बायोटिक का क्या मतलब होता है, दैट इज लिविंग। तो हमको पता है फॉरेस्ट कंप्राइजेज ऑफ ट्रीज, ट्रीज आर लिविंग। Predominantly of trees, shrubs. Predominantly मतलब majorly, mostly किस किस का? अब हमको पता है जो हम plants होते हैं हम उनको तीन में divide करते हैं, herbs, shrubs और trees। जो सबसे छोटे होते हैं उनको herbs बोलते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं उनको shrubs, और जो उनसे बड़े उनको trees। तो basically ये बात कर रहा है predominantly किसका part, कौन कौन part होते हैं, trees और shrubs। Usually with a closed canopy, मैम क्लोज तक समझ आया, कैनपी क्या होता है? कैनपी बेसिकली क्या होता है, द अपर मोस्ट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। ट्रीज की जो अपर मोस्ट ब्रांचेज होते हैं वो अपने आप को एक क्लोज स्ट्रक्चर में जब अलाइन करती हैं तब हम कहते हैं ये एक फॉरेस्ट होता है। बट याद रखना यहाँ पे यूजुअली लिखा है, मोस्टली लिखा है कि वो क्लोज स्ट्रक्चर में अपने आप को अलाइन करेंगे। कौन क्लोज स्ट्रक्चर में अलाइन करेंगे? ट्रीज की जो अपर मोस्ट ब्रांचेस होंगी। तो हमको फॉरेस्ट समझ आ गया। और हमको पता है रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे। थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज अ रिसोर्स। तो हमने पढ़ना है इस यूनिट में कि फॉरेस्ट हमको कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। हमने फॉरेस्ट के यूजेस को फोर मेन ब्रॉड कैटेगराइजेशन में कर दिया है। द फर्स्ट वन इज लोकल कंजम्पटिव यूज, ऐसी चीजें जो हम लोकली कंज्यूम कर देते हैं वो यहाँ पे आएंगी। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव और मार्केट यूज, जो हम मार्केट में सेल करते हैं, जो सेलिंग पर्पसेस के लिए यूज होंगी वो यहाँ पे आएंगी। इकोसिस्टम सर्विसेज, जो एक रिलेशन बनाएंगी बायोडायवर्सिटी के साथ, जो इकोसिस्टम को मेंटेन रखेगी वो यहाँ पे आएंगी। और अदर यूजेस, अदर यूजेस में हम कुछ एक्स्ट्रा यूजेस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद लोकल कंजम्पटिव यूज, फूड। लोकली हमको फूड तो कंज्यूम करना ही होता है। फूड में क्या क्या आ गया? फ्रूट्स आ गए, लीव्स आ गए, रूट्स आ गए, मशरूम्स आ गई। मैम रुको 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 रुको, फ्लो फ्लो में आप रूट्स भी बोल गए। रूट्स थोड़ी कौन कौन रूट्स कंज्यूम करता है? एज वी नो जो हम कैरेट और रेडिश कंज्यूम करते हैं, रेडिश एंड कैरेट जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम गाजर और मूली खाते हैं, वो कुछ नहीं है, वो फ्रूट नहीं है, वो हम रूट्स कंज्यूम करते हैं। देयरफॉर हम फूड में रूट्स भी कंज्यूम करते हैं। द सेकेंड इज फॉडर। फॉडर इज चारा, जो हम अपने कैटल को फूड प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमारे फॉरेस्ट से आता है। फ्यूल वुड, एज द नेम सिग्निफाई, जो वुड फ्यूल के लिए यूज हो रही है। फ्यूल वुड जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या क्या हम कर सकते हैं, हम कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, हमको सर्दी के दौरान गर्मी प्रोवाइड कर सकती है ये फ्यूल वुड। एंड द लास्ट वन इज मेडिसिनल यूज, जब हम फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को एज मेडिसिन यूज़ करते हैं। हमको पता है जो हर्ब्स होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वो मेडिसिनल यूज में होते हैं यूज, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने लोकल कंजम्पटिव यूज में डाला है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव और मार्केट यूज, जो हम मार्केट में सेल ऑफ कर देते हैं। फर्स्ट वन इज टिम्बर। टिम्बर जब भी, टिम्बर कुछ नहीं है, जब भी वुड कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होती है, जैसे फर्नीचर बनाने में, ब्रिज बनाने में, तब हम कहते हैं वो टिम्बर है, और टिम्बर ऑब्वियसली सेलिंग पर्पसेस के लिए ही यूज होगी। द सेकेंड वन इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जब हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, क्या क्या हो गए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस हो गई, हनी हो गई, जब इन प्रोडक्ट्स को हम सेलिंग पर्पसेस के लिए, जब हम सेल के पर्पस, प्राइमरीली सेल के पर्पस के लिए यूज करेंगे, तभी यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया। नेक्स्ट इज पेपर।
पेपर हमको पता है कैसे बनता है, लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है, बैम्बू से बनता है, बैम्बू की पल्प से बनता है। जब पेपर वुड से बन रहा है, वुड फॉरेस्ट से आएगी, तो क्या ये डायरेक्ट यूज हो गया फॉरेस्ट का। नेक्स्ट इज रेयॉन। रेयॉन एक फाइबर है जिसकी वजह से हमारे जिनसे हमारे क्लोथ बनते हैं। जब हमारे क्लोथ इनसे बनते हैं, अब हमको पता लग जाए कि रेयॉन कैसे बनता है। रेयॉन फर्दर हमारा वुड और बैम्बू की पल्प से बनता है, और वुड और बैम्बू पल्प कहाँ से आएंगे, फॉरेस्ट से आएंगे, थस ये भी एक फॉरेस्ट का यूज है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज में पहला है हमारा हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट देता है। हैबिटेट क्या होता है मैम? हैबिटेट कुछ नहीं होता, बेसिकली ये कह रहा है वाइल्ड लाइफ को एक नेचुरल होम देता है। नेचुरल होम किस किस को देता है? हमारे इंसेक्ट्स को देता है, हमारे बर्ड्स को देता है, रेप्टाइल्स को देता है, मैमल्स को देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देता है। तो बेसिकली ये एक होम देता है वेरियस फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ को। नेक्स्ट कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। यह फॉरेस्ट सॉइल कंजर्व कैसे कर सकते हैं? एज वी नो फॉरेस्ट में ट्रीज होंगे, ट्रीज के पास रूट्स होंगी, रूट्स सॉइल को बाइंड रखेंगे। जब वो सॉइल को बाइंड रखेंगे तो सॉइल इरोड नहीं हो पाएगा, थस हमने सॉइल कंजर्व कर लिया। बात समझ रहे हो? एंड नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल इम्प्रूवमेंट। अब क्या होता है, जो फॉरेस्ट लिटर होता है, जो फॉरेस्ट का गंद होता है, जब वो डिके हो जाता है, जब वो सड़ जाता है, उससे फॉर्म होती है ह्यूमस। ह्यूमस जो होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा कंपोनेंट सॉइल के लिए प्ले करती है। और जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो क्या सॉइल इम्प्रूव होगा? हाँ ज़रूर होगा। देयरफॉर आपको इधर इसका यूज समझ आ रहा है, वेरी गुड। अगला टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब एज वी नो ग्लोबल वार्मिंग में क्या, अब ये कह रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस करेगा। और हमको पता है ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस कुछ नहीं है बट कुछ गैसेस का सेपरेट नाम डाल दिया है। एग्जाम्पल CO2 हो गया, एग्जाम्पल मीथेन हो गया, इन सब गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है, दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन कम हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, दैट मीन्स कोई इनको एब्जॉर्ब कर रहा है। और हमको पता है CO2 मोस्टली फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रेस्पायरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं मोस्टली। यू नो फोटोसिंथेसिस की बात करिए, फोटोसिंथेसिस में यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो फॉरेस्ट बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो रही है। आगे ये कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को भी। जैसे हमको पता है फॉरेस्ट हमारा नॉइज भी एब्जॉर्ब कर लेती है। जब फॉरेस्ट नॉइज भी एब्जॉर्ब कर लेगी, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पोल्यूशन कम होगा। देयरफॉर इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके अदर यूजेस हमने पढ़ने हैं, वो है रिसर्च। हमने काफ़ी बार देखा है जब हमको कुछ रिसर्च करनी होती है बायोडाइवर्सिटी पे, कि क्या क्या डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स की हमारी कंट्री में वेरी करती है, हम डिफरेंट फॉरेस्ट को विजिट करते हैं, देयर फॉर रिसर्च। एजुकेशन पर्पसेस के लिए करते हैं। एस्थेटिक, एस्थेटिक इज समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी। जब हमको ब्यूटी, जब हमको रिफ्रेशनेस चाहिए होती है हमारी लाइफ में, हम फॉरेस्ट में जाते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ट्रैकिंग एंड ऑल यहाँ पे आ जाएंगी। सो दीज वर द यूजेज ऑफ फॉरेस्ट, जिनको हमने फोर ब्रॉड कैटेगराइजेशन में बांट के पढ़ा। लोकल कंजम्पटिव यूज, प्रोडक्टिव और मार्केट यूज, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम टॉपिक का तभी मतलब पढ़ पाएंगे जब हमको टॉपिक, मतलब टॉपिक हम आगे तभी पढ़ पाएंगे जब हमको टॉपिक का मतलब पता होगा। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? जब हम किसी भी रिसोर्स का एक्सेसिव यूज कर लेते हैं अपनी ग्रीड की वजह से, ताकि वो रिप्लेनिश, वो अपनी वापसी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसका तुम इतना एक्सेसिव यूज कर रहे होते हो, तब हम कहते हैं हम किसी एक रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज, आगे हमने पढ़ने हैं कि कॉजेस ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो हो रही है, बट इसके कॉजेस क्या क्या हैं? अगर हमको कॉजेस पता लग जाए तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। द फर्स्ट वन इज ग्रोइंग डिमांड ऑफ टिम्बर ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। टिम्बर की डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
अब हमको पता है पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन को घर चाहिए होगा रहने के लिए, घर रहने के लिए चाहिए होगा, वहाँ पे फर्नीचर चाहिए होगा, फर्नीचर चाहिए होगा तो वुड चाहिए होगा, बेसिकली टिम्बर चाहिए होगा, एंड फर्दर हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं उस टिम्बर के लिए. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ट्री से बना है और ट्रीज की वुड हमको चाहिए होती है. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फायरवुड. जब फायरवुड की डिमांड आती है, फायरवुड एज इन जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर क्यों क्यों यूज होगा, कुकिंग पर्पसेस के लिए और किसी पर्पस के लिए, हमको सर्दी आ गई है तब फायरवुड का इंक्रीजिंग डिमांड हो जाता है, बट ये मोस्टली लोकल डिमांड होता है. नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन टू रिक्लेम फॉरेस्ट लैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. हमको पता है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाए. इसका क्या मतलब हुआ, हम हाउसेस के लिए कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल के लिए कर रहे हैं, फैक्ट्रीज के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज, रोड, रेल ट्रैक. जब भी हम फॉरेस्ट को क्लियर आउट करने लगते हैं अपने ग्रीड के लिए, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए, तब हमारा फॉरेस्ट एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज डैम्स. एज वी नो डैम्स दो मेन रीजंस की वजह से बनाए जाते हैं, टू कंट्रोल फ्लड्स, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा पर्पस क्या होता है, एनर्जी जनरेट करने के लिए. हमको पता है ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, बट डैम्स को बनाने के लिए हमको फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल क्लियर आउट करने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं. क्यों? डैम्स को भी तो जगह चाहिए बनने के लिए, और वो जगह हमको कैसे मिलती है, फॉरेस्ट को काट कर. तो फॉरेस्ट क्या इधर ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, तभी तो यहाँ पे टॉपिक में है. एंड नेक्स्ट इज जूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ये एक ऐसी यू नो सिस्टम है जो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रेवलेंट है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रेवलेंट है. ये क्या करते हैं, सपोज एक नोमैडिक ग्रुप आया है, पहले वो लैंड को देखेंगे, क्या वो फर्टाइल है, क्या उसकी सॉइल फर्टाइल है, क्या हम यहाँ पे अगर अपनी कल्टिवेशन करेंगे क्या वो सक्सेसफुल रहेगी. अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो पूरे फॉरेस्ट को बर्न कर देते हैं और फिर उसके ऊपर कल्टिवेशन शुरू करते हैं. इसको तभी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, आप समझ रहे हो. तो पहले क्या हुआ, फॉरेस्ट क्लियर आउट हुआ. क्या यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट है? हैं, बिल्कुल है. फायर्स, यहाँ पे हम फॉरेस्ट फायर्स की बात कर रहे हैं. अब आपको पता है एक लाइन बोली जाती है, फायर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ फॉरेस्ट. फायर जो है वो एक यू नो दुश्मन है, बहुत गहरी दुश्मन है फॉरेस्ट की. इससे क्या होता है, हमारे जो फुल्ली ग्रोन ट्रीज हैं वो तो डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट के फ्यूचर है, फॉरेस्ट के फ्यूचर एज इन यंग ट्रीज हैं, सीड्स हैं, ह्यूमस है, वो सारा भी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो हमारा फॉरेस्ट ओवर एक्सप्लॉइट हो जाता है पेस्ट्स की वजह से. पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट को अगर डिफाइन करें, दे आर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स और एनिमल्स दैट अटैक्स क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक. ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स के लिए या जो एनिमल्स के लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि वो उनको नेगेटिव वे में इंपैक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं पेस्ट. ये भी फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट करती हैं. नेक्स्ट लास्ट वन इज नेचुरल कॉजेज. नेचुरल कॉजेज क्या हो गए, फ्लड्स आ गए, स्नोफॉल हो गई ज़्यादा, विंड आ गई, लाइटनिंग हो गई, स्टॉर्म्स आ गए, इन सब की वजह से भी फॉरेस्ट हमारा क्या होता है, एक्सप्लॉइट होता रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट सफ़र करता है. तो दीज वर द कॉजेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट. होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डिड, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.